नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M30 और M20 के बारे में कि आखिरकार इसमें आपको एंड्रॉइड 10 का स्टेबल अपडेट है वो कब तक मिलेगा। सारी चीजें इस वीडियो में जानेंगे, वीडियो के साथ बने रहिए। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं रियल एजुकेशन। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप कौन सी कंपनी का कौन सा मॉडल नंबर का मोबाइल यूज करते हैं वो कमेंट में जरूर बताइए, ताकि मुझे भी पता चल सके जो मेरे व्यूअर्स है वो कौन सी कंपनी को ज्यादा यूज करते हैं। अब देख लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी M30 और M20 के बारे में कि मैं आपको बता देता हूं कि सैमसंग गैलेक्सी जो M20 है और जो M30 है, इसमें कंपनी ने आज ही एंड्रॉइड 10 का अपडेट है वो रोल आउट करना शुरू कर दिया है। आज तारीख है दोस्तों 12 दिसंबर 2019। आज की तारीख में कंपनी ने ये जो सैमसंग गैलेक्सी M30 और 20 है इनमें एंड्रॉइड 10 का स्टेबल अपडेट रोल आउट कर दिया है। धीरे धीरे सभी के मोबाइल में आ जाएगा। अगर आपके मोबाइल में अभी तक नहीं आया है तो कोई टेंशन नहीं, कुछ ही दिनों में, 2 या 3 दिनों में आपके पास ये पहुंच जाएगा। और ये वही अपडेट है जो साउथ कोरिया में इस कंपनी ने लाया था कुछ टाइम पहले और अब ये इंडिया में भी लेके आ चुकी है। अब देख लेते हैं कि क्या क्या नए फीचर्स इसमें दिए हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो भी फ्लेक्सिप फोन्स हैं उनमें जितने भी फीचर्स थे एंड्रॉइड 10 के, सारे फीचर्स आपको इसमें दिए हैं। कंपनी ने किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, इसमें आपको डार्क मोड भी इस बार मिल जा रहा है, जो कि सभी लोगों की एक्सपेक्टेशन थी उसको कंपनी ने पूरा किया। और जो सैमसंग के प्री लोडेड एप्स थे वो सारे इसमें मिल रहे हैं, जैसे कैलकुलेटर, सैमसंग इंटरनेट, सैमसंग हेल्थ एंड एक्सेट्रा, जो सारी चीजें हैं वो सैमसंग ने प्रोवाइड की है। और इसमें जो सॉफ्टवेयर का वर्जन नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ। M20 के लिए है M25FDDU3CLS4 और जो M30S है, सॉरी दोस्तों M30 है, उसके लिए है M35FDDU3CSL4। ये दोनों ही आपको अपडेट है वो आज की तारीख में मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिले तो 2 या 3 दिन के लिए आप वेट कीजिए, कंपनी ने आज रोल आउट कर दिया है, कुछ टाइम में आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके मोबाइल में अपडेट आया है तो नहीं आया है, तो सबसे पहले जाइए मोबाइल की सेटिंग्स में, देन आप सॉफ्टवेयर अपडेट में जाइए और वहां पर डाउनलोड एंड इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, वहां पर क्लिक कर लीजिए। अगर वहां पर लिखा आता है कि यू आर अप टू डेट तो समझ लीजिए कि आपके मोबाइल में अभी तक अपडेट नहीं पहुंचा है, कुछ टाइम के बाद पहुंच जाएगा। और वहां पर अवेलेबल दिखाता है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूं आज जो मैंने वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपके लिए फायदेमंद रही होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।